देख रुस्तम, मैं शादी करने जा रहा। अरे तो भाई तू काहे को टेंशन ले रहा, और कब तक ऐसा फिरेगा तू? है कर लेना शादी। मेरे पास रुस्तम 1,00,000 रुपए पड़े, और 1,00,000 रुपए में से 50,000 रुपए मालूम है दुल्हन के मेरे कपड़े आ जा रहे घरदार के, और बच्चा 50,000 रुपए 1,000 लोग का खाना बनाने का है, और मैं कर्जे में शादी नहीं करूँगा। अरे तो भाई मैं क्या कर सकता उसमें, क्या मदद कर सकता वो बोलता। रुस्तम तू मेरा दोस्त है ना रे, ऐसा कुछ दिमाग चला, लोगों ने ज्यादा से ज्यादा आय टिपाने होना। अरे जानी तू वो बात की फिक्र ही मत कर, मैं ऐसा लोगों के कान में फूकूंगा ना कि एक आदमी की दावत वाला भी 500 रुपए आय टिपाएगा। क्या बात कर रहा रुस्तम, तू मेरा सच्चा दोस्त है, चल कार बात के आते। चल चल नमे रुक रहे। ए रुस्तम दादा काट दू क्या इसको? जानी दादा, अरे का काटने के बात कर रहे तू? अरे ओ काले गुलाब जामुन की गुटली, अरे तेकू काटेंगी ना तो तेरे अंदर से क्या निकलेगा? खून की जगह काला हेल, और हड्डिया की जगह मच्छी के काटे। तेरी तो, अरे मेरी शादी काट देने की बात कर रहा मैं। ऐसा शादी के काट की बात कर रहा? जानी दादा तेरी शादी में खाने में क्या क्या बना रहा? ऐसा पहले खाने का पूछ लेगा। अरे खाना तो 1 नंबर मिलेगा रे। और सुन, शादी में कोई आलतू फालतू तोहफा लाना मत, oh, no. और 500 से कम टिपाना मत। अरे जानी दादा 500 रुपए, अरे मैं खाना तो इतने से खाता ना रे, अरे थोड़ा सा कम ज्यादा कर लेना बा। ए रुस्तम समझे तेरे जबान से इसको। अरे काले गुलाब जामुन सुन, तू भाजी पाले की दुकान पे खड़ा कह रहे सौदे कर रहा, इतने ही ले लेना उतने ही ले लेना, इतना सी खाता फालतू बाता करूँ मत। जानी तू इसको काट दे। और वहाँ शादी में क्या रहेगा कर लेंगे अपन वहाँ, चल जा चल जानी। और कट्टे चीचा, हाँ मेरी शादी है, ये लो कार्ड पकड़ो। भैया जानी तू शादी कर रहा? हाँ अपनी शादी करूँ नहीं क्या? ध्यान दे कब है तेरी शादी, उसमें लिखा है पढ़ लो। अजीब तमाशा है तेरा तो, तेरी शादी है तेरे को नहीं मालूम कब है? है अरे अगर मैं पढ़ा लिख कर रहता ना बेटा तो यहाँ बैठे बैठे बीड़े नहीं भुगता था मैं। अरे वो जान दो घट्टे चीचा, वो सब छोड़ो रिका में बात, तुम्हारे घर में कितने लोग है वो बोलो। मेरे घर में हम 5 लोग है। ऐसा तो 500 तो है टिपाएंगे ना तुम? अरे 500 क्या, मैं 1,000 रुपए टिपाऊंगा 1,000 रुपए। पर सुन ले, 70 लोगों की पूरी खानदान है, तू लेके आऊंगा शादी में खाने के वास्ते। 70 लोगों को 1,000 रुपये में 70 लोग नहीं पूरेंगे हमको? अरे तो भाई मेरे को भी तुम नहीं परवड़ेंगे, 500 रुपये में 5 लोग थोड़ी खाएंगे। मैं आ जाऊंगा तुम्हारे वहाँ शादी में, और मेरे हिसाब से लिखा दूंगा, जाओ तो तुम यहाँ से। चल निकल। देखो कैसा जमाना आ गया, 2 रुपए का कार्ड छपा रहे और मुंह से 500 रुपए यार मांग रहे हो। आए आए क्या रे भाई रुस्तम दादा, कस का आना मेरे पास? अरे भाई खाना बनाने का हमको, उसके वास्ते आए तेरे पास हम। खाना बनाने का? अरे फिर सही जगह आया लेना तू, काय का बनाने का? चेलो छठी बर्थडे 40वां काय का बनाने का? ए बापू, अरे 40वां खाना नहीं बनाने का क्या रुस्तम दादा, कहाँ ले गया है? अरे मेरी शादी में खाना बनाने का मुझे। अरे भाई 40वें का खाना नहीं बनाने का, ये अपने जानी की शादी है उसका खाना बनाने का अपनों को। अरे दादा सही जगह आया ना तू, मेरा खाना लोग 8-8 दिन रख के खाते, और जब गर्म करते ना तो 4 घर खुशबू महकती। अरे रुकता जानी मेरे को बात तो करन दे। ओ भाई हमको कोई आए फाये खाने नहीं बनाने के, सादा खाना बनाने का, कम बजट वाला, और कौन सा खाना बनाएगा, एकदम पंचायत खाना बना। अरे दादा पंचायत खाना ही बनाने का ना तेरे को? अरे मेरे जैसा पंचायत खाना तो पूरा गांव में कोई नहीं बनाता रे। अरे दादा इतना पंचायत खाना बनाता ना मैं, कई जगह मार खाते खाते बचा मैं। अरे दादा कभी खाना घटा बीटा ना तो होटल का जितना बचल खाना रहता वो भी लेके आता ना मैं, जो पंचायत खाना हो ना। रुस्तम दादा पैसे की बातचीत कर ले। कितने पैसे लेगा भाई ये? अरे तुम घर के लोग है ना दादा, दे देना 5,000। 5,000 रुपये ले रहा पंचायत खाना बनाने के? फिर वो पकाने वाला अच्छा है जो 4,000 ले रहा हमसे। अरे दादा पंचायत खाना बनाने में इज्जत भी तो जाती ना,
अगर अच्छा खाना बनाने का रहता ना उसके कम लेते, 5-6 खाने के तो ज्यादा पैसे लगते ना। चल दे देंगे देखो 5,000, लेकिन एक बात सुन ले, खाना जो है ना एकदम 5-6 बनने होना, समझा ना? 5-6 खाना बनने होना। अरे उसकी तो गारंटी ले दादा, 5-6 बनेगा। चल बे, चल दादा जाते हम। चलो रुस्तम दादा। ओह नो, इधर से निकाल लो जरा। अरे चप्पा, घर की साफ सफाई चालू है क्या? हाँ भाई, साफ सफाई चालू है। तुम बताओ क्यों आना हुआ? अरे मैं शादी कार्ड देने आया। शादी का? किसकी शादी का? अरे मेरे बाप रे रुस्तम। ओह नो। अरे रजो अप्पा, 1,00,000 रुपए लगा के मैं मेरी शादी कर रहा और तुम बोले किसकी शादी? तुम शादी कर रही है उम्र में, इससे अच्छा इतना पैसा लगा के कोई कारोबार शुरू कर लेते। ए बहन, रिकवर बात मत कर, ये कार ले, मेरी शादी में जरूर आना तू। अरे और रजो अप्पा, सब छोड़ दो, रिकामे बाता, बाकी जानी की शादी में जरूर आना तूने, और मेहरबानी करके 500 टिपा देना। तो देख भाई, मेरे को 3 जगह से दावत आई है, 1 40वें की, 1 मंगनी की और 1 तेरी शादी की। जहाँ पे खाना अच्छा रहेगा ना, मैं वहीं पे पैसे लिखाऊंगी। अब क्या है ना भाई, जहाँ खाना खराब रहता है ना, वहाँ पैसे 500 रुपए लिखाना बहुत भारी पड़ता है। ए बहन, कोशिश करना मेरी शादी में आने की, तुझे जो लिखाने का लिखा देना। हाँ हाँ ठीक है, आ जाऊंगी। चलो अभी तुम लोग निकलो, चलो। हाँ? चल, चल। इधर आ। यार है? पूरे गांव में कार्ड देते फिर रहा, देखो मेरा घर नहीं दिख रहा क्या? बाया को तो बड़ा ढूंढ ढूंढ के कार्ड दे रहा तू है। अरे मैं ये एरिया का डॉन है, अरे कुछ तो इज्जत कर मेरी। अरे भाई, बातें करते करते चले गया था आगे। ये लो, ये कार्ड लो, तुम्हारा नाम लिख लेना इसमें और शादी में आ जाना। हाँ चल ठीक है, और पूरे परिवार के साथ आ रहा है मैं। जानी तू हट, तो मैं सलटाता इसको। ओ दादा, शादी में आने की कोई जरूरत नहीं है, परिवार को भी लाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे एकदम 5-6 खाना बनने वाला है। वाह। अरे तो 5-6 ही खाना खाता मैं, उसकी आदत है, अच्छा खाना चलता नहीं, समझा? चल उधर। और सुन। हाँ भाई। पूरे परिवार के साथ आऊंगा, 1 रुपया भी ऐर नहीं लिखाऊंगा, पेट भर के खाना भी खाऊंगा और बड़ा डब्बा भर के भी लेके जाऊंगा। हाय दोस्तों, अगर आपको जानी की शादी की दावत ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल खानदेसी एंजॉय को सब्सक्राइब कीजिए।